बात कर रहे हैं रेमेडियम लाइफ केयर लिमिटेड की। अगर देखा जाए तो स्टॉक ने हमको ऑलमोस्ट 5% तक के अपसाइड के साथ क्लोजिंग दिखाई है। इससे पहले वीडियोस में 6 रुपये के ब्रेकडाउन के बाद हमने 5 रुपये तक की गिरावट को डिस्कस किया था। 5 रुपये तक की गिरावट दिखा सकता है ऐसा हमने डिस्कस किए थे। और देख सकते हैं स्टॉक में जो बाइंग आई है ना दोस्तों, 5 रुपये 20 पैसे के आसपास से आई है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको एग्जैक्ट लेवल समझ में आ जाए। हम देख सकते हैं कहाँ सपोर्ट लिया स्टॉक ने, 5 रुपये 30 पैसे का लेवल है। सॉरी, हमने 5 रुपये 20 पैसे कहा था, 5 रुपये 30 पैसे के लेवल से स्टॉक में रिकवरी देखने के लिए मिल रही है। यहाँ से बाउंस बैक करता नजर आ रहा है, लेकिन स्टॉक ओवरऑल एक गिरावट में। जंप इससे पहले भी दिखाया लेकिन रिजेक्शन के साथ लो ब्रेकडाउन करता नज़र आ रहा है, लेकिन इस बार अप ट्रेंड के चांस बनेंगे। यहाँ से अब रेमेडियम लाइफ केयर में रिकवरी देखने के लिए मिल सकती है। जहाँ से रिजेक्शन फेस किया था हमने, जिसको पहले सपोर्ट के तौर पर डिस्कस किया था 6 रुपये का लेवल, उसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस फेस करता नज़र आया, लेकिन वहाँ से सेलिंग नहीं आई, बड़ी गिरावट नहीं आई, उसी के आसपास क्लोजिंग दे गया। तो आने वाले ट्रेडिंग डे में ब्रेकआउट के चांस बनेंगे। अगर अब गिरावट आती है तो इस हाई को आप देख रहे हो, 5 रुपये 80 पैसे का लेवल इमीडिएट सपोर्ट है, और नीचे की ओर 5 रुपये का लेवल जो है तगड़ा और इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अब स्टॉक बाउंस बैक कर रहा है, रिकवरी दिखा रहा है, तो इमीडिएट टारगेट है 6 रुपये 20 पैसे, 6 रुपये 40 पैसे नेक्स्ट टारगेट, और इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद 7 रुपये तक का जंप स्टॉक दिखा सकता है। जो हाई आप देख पा रहे हो 7 रुपये का लेवल, यहाँ तक के टारगेट दिखा सकता है। 7 रुपये का लेवल अगर ब्रेकआउट करता है और सस्टेन होता है तो वैसे सिचुएशन में तेज़ी और भी कंटिन्यू होते नज़र आ सकती है, लेकिन अब पहले इस पर नज़र रखना। यहाँ से जो टारगेट बनेंगे 7 रुपये तक के टारगेट हमको इस बाउंस बैक के साथ देखने के लिए मिल सकते हैं। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहे। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।